As we all know, food, exercise and sleep are the best medicine. Hello, I'm Dr. Lisha George, your physiotherapist from Sayadri Hospital, Mom Story, Hadapsar Annex. Normally, हम देखा जाए तो हम जब exercise करते हैं तो हमारे body में बहुत सारे changes होते हैं. That is something very good. हमारे body में blood circulation बढ़ती है, muscle growth होती है, stability आ जाती है. तो इस दौरान हम आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है. हम हमारा पहला टॉपिक करेंगे थेराबैंड. सी, ये एक छोटा सा पॉकेट साइज थेराबैंड है, हर जगह अवेलेबल होता है. ये हमें एनी मेडिकल शॉप, ऑनलाइन, एवरीवेयर दिस इज अवेलेबल एंड दिस इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली. सो ये एक ऐसा चीज़ है जो डंबल की जगह पर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल टू यूज. हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एक्सरसाइज. हमें अभी करना है हमारा शोल्डर एक्सरसाइज, तो इसे हमें सीधा पकड़ना है कुछ इस तरह से, ओके? और हमें इसे स्ट्रेच करना है. जितनी जोर से आपने स्ट्रेच किया है, स्लोली हमें वापस लाना है, एकदम धीरे से. स्लोली स्ट्रेच एंड बैक अगेन. Slowly stretch and back. Slowly stretch and back. इस दौरान आपको आपकी body straight रखनी है. ये exercise आप बैठ कर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं. Make sure कि आप एक mirror के सामने खुद को evaluate कर सकते हैं ये exercise करते दौरान, ठीक है? So next exercise, हम shoulder को abduct करेंगे. इसमें क्या करना है, पैरों पर अटकाना है एक पैरों पर एंड स्लोली खींचना है ऊपर की तरफ. इस दौरान आपकी कोनी मुड़नी नहीं चाहिए, दैट इज एल्बो शुड नॉट बी बेंड. स्लोली टेक इट अप, ब्रीद, रिलैक्स एंड स्लोली डाउन. ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज. ये जो भी एक्सरसाइजेस है आपको 10 टाइम्स करनी है एक साइड के लिए. दोनों पैरों पर अटकाना है, दोनों हाथों में लेकर एल्बोज फोल्ड करने हैं जस्ट लाइक डंबल्स. ये हमने यूज किया है रेड थेराबैंड विच इज अराउंड 20 पाउंड्स. तो एक नॉर्मल डंबल के कंपैरिजन में रेड थेराबैंड इज समथिंग विच वी कैन यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जैसे आपको पता चले कि आप रेड थेराबैंड से कंफर्टेबल हो तो यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ. अभी आपने रेड थेराबैंड यूज किया है, नेक्स्ट टाइम आप जहां पर कंफर्टेबल हो, एक दो हफ्ते से आप यूज कर रहे हैं रेड थेराबैंड, तो यू कैन अपग्रेड इट टू ग्रीन थेराबैंड. अभी दूसरा एक्सरसाइज हम शोल्डर के पिछले वाले हिस्से के लिए, दैट इज फॉर बैक एंड स्कैपुला के लिए करेंगे. इसमें आपको सिंपली क्या करना है मैं बताती हूँ. आपको ऐसे लेना है एक को एंड पीछे की तरफ रखना है, दूसरे हाथ से पकड़ना है एंड नीचे वाले हिस्से हाथ को एकदम स्टेबल रखना है, सिर्फ ऊपर के हाथ को ऊपर खींचना है और नीचे. सीधा खड़े होना है, हाथ ऊपर और स्लोली नीचे, जितना ऊपर ले सकते हो उतना लेना है, देन स्लोली बैक. सेम विद द अदर हैंड, हमें इसे ऊपर लेना है, दूसरे हाथ से पकड़ना है, स्लोली अप, स्लोली डाउन. जितना फास्ट आप लेते हैं ऊपर, उससे दो टाइम स्लोली आपको नीचे लेकर आना है, अप एंड डाउन. सो दीज वेर द थेराबैंड एक्सरसाइज फॉर द अपर लिम. फॉर फर्दर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट द बिलो नंबर. थैंक यू.